श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई दीपावली मंदिरों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। जी हां, विद्यापति प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में दीपावली प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया। दीपावली एवं लक्ष्मी पूजा के कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। विद्यापति प्रखंड से विकास कुमार पांडे की रिपोर्ट। वक्त शिक्षक श्याम कुमार है। श्याम बताए कि इस वक्त दीपावली को लेकर काफी उत्साह चरम पर है लोगों की, तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस दीपावली को इस बार आप? सबसे पहले तो आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। जो इस अवसर पर माना मऊ बाजार में हम अभी उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। और कल के जो मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान, उसमें हम लोगों के बीच दुगना उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दीपावली में हम यही सब लोग से अपील करेंगे कि दीपावली प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। और देश का जो प्रधानमंत्री है उसका जो वाक्य है उसमें हम लोग माना भागीदार बनकर बढ़ चढ़ कर माना भाग ले और माना खुदा प्रदूषण मुक्त। इस बार बाजार में चाइनीज आइटम कम दिख रहे हैं, तो इस संबंध में क्या लगता है, लोगों में जागरूकता आई है या फिर कुछ विदेशी व्यापार को लेकर कुछ इस तरह का कुछ निर्देश वगैरह है सरकार का? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि माना हम लोग अपने आप में सशक्त और जागरूक है, जिससे हम लोग को माना यह बाजार में देखने को बहुत कम मिल रहा है कि जो विदेशी सामान है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप में प्रतिबंध कर रहे हैं। जिससे माना सामान प्रतिबंध लगेगा तो हमें अपने आप में भारतीयता बढ़ेगा और यही चीज़ को हम देखना भी आगे चाहेंगे। निरंतर लोग यह विश्वास रखें कि हम अपना स्वदेशी को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं सबसे अधिक भीड़ भाड़ मऊ बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में देखी गई। यहां पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचकर माता लक्ष्मी एवं नारायण की पूजा अर्चना में लीन दिखे। जैसे जैसे शाम हुई श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर परिसर में बढ़ती चली गई। देर रात तक लोगों के द्वारा सुख शांति समृद्धि व वैभव के लिए माता लक्ष्मी सिद्धि विनायक गणेश एवं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। वहीं एक पखवाड़े से लक्ष्मी पूजा समिति से जुड़े कार्यकर्ता तैयारी में जुटे थे। इसमें सुजीत कुमार गुप्ता सचिव, सुनील कुमार शाह अध्यक्ष, राजेश जायसवाल कोषाध्यक्ष, राजीव कुमार शाह, अनिल राय, सुधीर कुमार शाह, ऋतुराज प्रसाद, हेमंत कुमार शाह आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मंदिर के विधिवत पूजा मुख्य पुजारी विनोद कुमार झा एवं संजय भट्ट के द्वारा कराई गई। लक्ष्मी पूजा के संबंध में क्या कहना है आपका? बाज़ार में इस वक्त मंदिर से घूम के आए हैं, क्या कहना है आपका? अभी हमारे मऊ बाज़ार में बहुत ही भव्य पूजा समारोह हो रहा है लक्ष्मी जी का, तो हम सभी अपने दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि आइए और यहाँ बाज़ार में जो मेला लगा हुआ है उससे कुछ सीखिए। प्रदूषण मुक्त दीपावली की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रदूषण मुक्त आपको दिख रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ हद तक तो कम है। दीपावली को लेकर क्या शुभकामना देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को या देशवासियों को? हम समूचे देश की बात करते हैं, हमें आराम से हमें दीपावली को मनाना है। पटाखा उटाखा जो है इसको फोड़ना नहीं है ताकि प्रदूषण न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस बार दीपावली पे महंगाई की मार देखी गई। परंपरागत दीपों की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स घरों में लटके दिखे। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों एवं पूजा पंडालों में भी आकर्षण ढंग से सजाया गया। वहीं विद्यापति प्रखंड के बाजितपुर, शेरपुर, हरपुर, बोचा, खनुआ, मनियारपुर, सिमरी एवं मऊ बाजार स्थित मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। कि किसी भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, मौके पर अन्य लोगों के अलावा पूजा समिति से जुड़े संजीव चौरसिया, राजीव कुमार राजू, मनोज शाह, मलय कुमार, राजीव कुमार शिक्षक, ब्रजनंदन महतो, मणिकांत ओझा, अधिवक्ता आकाश कुमार राजा मौजूद थे। वहीं लोगों के द्वारा सभी और साफ सफाई की गई थी। घरों में आकर्षक ढंग से अनेक रंगों में रंगा गया था। शाम होते ही लोगों ने अपने अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद घरों में श्रद्धा का दीप जलाया।